राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने जिला पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर उनके और उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के चलते एक वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़काने की शिकायत संबंधी एक ज्ञापन सौंपा। सिद्धार्थ मलैया का कहना था कि उनके और उनके पिता की सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से उनके खिलाफ निराधार और अनर्गल आरोप प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की। इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहना था सिद्धार्थ जयंत मलैया का, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले कल के दिन सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के एक ग्रुप पर, सोशल मीडिया के एक ग्रुप पर एक समाज विशेष को लेकर एक भ्रामक प्रचार मेरे संबंध में फैलाया जा रहा है, जिसके बारे में आने वाले समय में खुलकर और विस्तार से समाज विशेष से मैं बात करूंगा। पर उस बारे में मैं अपनी आपत्ति दर्ज करने और उसके इन्वेस्टिगेशन पूरा हो कि किन्होंने ये बनाया, ये षड्यंत्र रचा, समाज के कोई विशिष्ट व्यक्ति के बारे में कोई FIR हुई, उस FIR के बारे में मुझे दोषी सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी देख रहे हैं कि मेरा स्वीकार्यता है और जिनकी संख्या बल ज़्यादा है उसमें स्वीकार्यता है, वो उसमें अलोकप्रिय बनाना चाहते हैं, उनके अंदर अनर्गल बातें फैलाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने इस तरह का एक पत्र बनाया। और मैं पत्र आपको बहुत थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको ये देखने मिल ही जाएगा अगले एक दो दिन में। उसके बाद मैं तो विचार करके पूरा आपको विस्तार से उस बारे में कहूँगा ही। इस बारे में मैं यहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कराने आया था और पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो और जो लोग उसके दोषी हैं वो सामने आए। मैं फिर से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव आया है, नज़दीक है, बहुत सारी बातों का भ्रामक प्रचार फैलाया जाएगा। अरे ये तो उन्हें पसंद ही नहीं है, ये तो पसंद ही नहीं करते उनको, वे आ जाएंगे तो हमारे समाज का नुकसान हो जाएगा, इस तरह का बहुत सारा प्रचार करेंगे। मेरा सारे युवा साथियों से और सारे लोगों से अपील है कि इस भ्रामक प्रचार से बने, आने वाले चुनाव में आपको जो सही लगता है उसे चुनें, वो आपके विवेक पर है, पर भ्रामक प्रचार से आप ज़रूर बचें, ऐसी मेरी आपसे अपील। क्या वायरल हुआ उसमें, क्या लिखा है जो पत्र, उसमें जो पत्र में लिखा है इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा कुछ दिन बाद, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं उस समाज विशेष के जिनसे मुझे बात करना है कि राजनीति अपनी जगह है, पर राजनीति करने के अगर ये मायने रखना है, राजनीति इस स्तर पर करना है, तो उस स्तर पर मैं तो राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो राजनीति अपने सिद्धांतों पर ही करूँगा और राजनीतिक मेरी मतभिन्नता किसी से हो सकती है, मैं उनसे बिल्कुल खुलकर लड़ूँगा, पर अगर कोई ये कहे जैसा कि इन्होंने लिखा है इस पत्र में कि समाज के विशिष्ट व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को, उनका कोई मामला होगा थाने का, उसके अंदर मेरी कोई भूमिका है, तो 0 से लेकर 100 तक
कहीं से कहीं तक मेरी कोई भूमिका नहीं है, परंतु उसको एक विद्वेष फैलाने के लिए, अरे बताओ ये आ जाएंगे, डराने के लिए ये आ जाएंगे, ये नेता बन जाएंगे आप, ये लोकप्रिय हो जाएंगे, इन्हें मत चुनिए आप, इसलिए इस तरह की लोग बात बरगलाने की आपसे करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, सभी जगह सभी तरह के लोग करेंगे, सिर्फ मेरे विषय में नहीं, और भी जो राजनीति में लोग होंगे, और इस तरह के भ्रामक प्रचार चुनाव के वक्त होते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि उसमें उससे बच के रहें। कितने लोग हैं जिनके खिलाफ आपने शिकायत की है? नहीं, हमने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है, जो स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं दो, उनका मैंने लिखा है कि इसके अंदर आप जांच करें, और जितने भी लोग हैं इसमें जिन्होंने षड्यंत्र को रचा है, कूटनीति को रचा है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें।